Welcome to the Bigger Fit Channels। आपको जो है पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस कमीज जो है कैसे काटी जाए जो बिल्कुल अपनी फिगर में फिट रहे, उसी से रिलेटेड आज आपको उसकी सलवार जो है उसके बारे में बताते हैं कि सिंपल सलवार कैसे काटी जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि सलवार जो है वो कई तरह की है, सिंपल सलवार भी है, पटियाला भी है, और उसके बीच में एक सेमी पटियाला के नाम से भी है जिसको हमने नया नाम दिया है सेमी पटियाला, और एक होती है फुल पटियाला, ठीक है। और जैसे जैसे कपड़ा होगा वैसे वैसे उसकी सलवार बनेगी। अगर 2.25 मीटर कपड़ा है तो उसमें जो है सिंपल सलवार बनेगी, अगर आपका जो है 2.5-3 मीटर है तो उसमें हम जो है सेमी बना देंगे, और अगर 3.5 मीटर है तो उसकी जो है फुल पटियाला सलवार बनेगी। और इसके अलावा एक सलवार आती है खजूरी सलवार, तो वो खजूरी सलवार में भी जो है समझो कि पूरा कपड़ा पटियाले वाला ही लगता है 3.5 मीटर। सबसे पहले हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं वो है सिंपल सलवार। और ये दोस्तों हमारे पास सलवार का कपड़ा है जो कि मात्र जो है 2.25 मीटर कपड़ा है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि सिंपल सलवार जो है कैसे बनेगी। दोस्तों अब सलवार जो है सिंपल सलवार काटने का आपको आज हम फार्मूला बता रहे हैं, और इससे पहले कि आप जो है सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो जो है फिगर फिट के जो चैनल पे जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और बेल जो है आइकन प्रेस कीजिए। और अब जो है आपको स्टार्ट करते हैं कैसे ये सलवार कटेगी। अब इसका नाप ये है कि 40 इंच जो है इसकी सलवार की लंबाई है, और सिंपल सलवार में भी जो है घेर अच्छा आता है, ठीक है, जिसमें कि सिंपल सलवार में कपड़े में जो है 2.25 मीटर है, इसमें घेर भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और जो है अच्छी सलवार बनेगी। बहुत सी सलवारें आपने देखी होंगी कि पीछे से जो है उठ जाती हैं, या कि किसी का घेर कम होता है सिंपल सलवारों का, उस तरीके से जो है ना बने, इसके लिए आपको हम जो है नए तरीके से लेके चलते हैं। जैसे कि हमारा जो है ये सलवार की लंबाई है 40 इंच, और नीचे बॉटम जो है पोंचा उसका जो है 12 इंच है, तो आपको जो है हम आपको बता रहे हैं कि हम जो है सबसे पहले इसका जो है जिसको हम कुंदा बोलते हैं, ठीक, वो जो कुंदा है कुंदे होते हैं कलियाँ होते हैं, तो सबसे पहले हम जो है कुंदे काटेंगे जिसको हम कुंदे बोलते हैं। 12 इंच का पोंचा है तो हम कुंदे इससे छोटे रखेंगे, ना कि पूरा पूरा रखेंगे, तो 12 इंच पोंचा है तो हम इसके कुंदे करेंगे छोटे 2 इंच कम, जो 12 इंच से जो है 2 इंच कम करके हम 10 इंच का जो है ये कुंदा या निशान लगा लेंगे, ये 10 इंच का जो हमारे निशान आ गए, इस तरीके से हम जो है निशान आ जाएंगे हमारे, हमने 10 इंच पे पूरा निशान लगा लिया, और इस जो है इस कपड़े को सांझे में ही पकड़ के इसी निशान पे जो है मिला देंगे, ऐसे करके जो है ये हमारा 10 इंच पे निशान के ऊपर ये पूरा फिट हो गया, ये हमारी जो है ये हमारे कुंदे हैं। अब हमने जो है इसमें यहाँ से इसको जो है ऐसे करेंगे सीधा निशान लगा देंगे, लंबाई 40 इंच है, जिसके ऊपर जो हमारा बेल्ट भी आएगा, बेल्ट हमारा आएगा 6 इंच का। अब हम इसमें क्या करेंगे, चल 6 इंच का हमारा तैयार, 1/2 इंच जो हमारा सिलाई का चला जाएगा तो कपड़ा दब जाएगा सिलाई में, ये हम जो है इसको लंबाई यहाँ से नाप लिया, 6 इंच का बेल्ट यहाँ से निशान लगाया
ये कटिंग का आधा इंच का ऊपर का है तो माना 5.5, तो 5.5 कम करके हम 40 इंच की जो लंबाई है वो नाप ले लेंगे। ये 40 इंच का जो है सीधा निशान लगा देंगे। अब इसको हम जो है इस तरीके से काटेंगे। विशेष ध्यान रखना है कि इसको हमने जो है बिल्कुल सीधा नहीं काटना है, दो सूत यहाँ से डाउन, ये हमारा जो है ये सीधा निशान है, सीधा ना कटिंग करके डाउन करेंगे, यहाँ से डाउन करेंगे, यहाँ से जो है थोड़ा सा सूत दो सूत जो है थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, उससे हमारी सलवार में अल्टरनेंग नहीं आएगी किसी तरह, ना जो है गिदरी से ऊपर उठेगा और ना जो है ये पूछा से उठेगी सलवार, ठीक है। ये हमारा कंधा कटता है। इसमें हम जो है ये निशान ऊपर लगा लेंगे, ये वाला जो लड़ाई होगी तो ये हमारा ऊपर का पोर्शन होगा। अब हम जो है इसका नाप ले लेंगे कि हमने जो है ये हमारी यहाँ से लंबाई कितनी आ गई, 34.5। ये हमारा कंधा मेन हो गया, दोनों पल्लों के कट गए हैं, हमने जो है कली काट दी है, ये हमने कपड़ा जो है ऐसे लिया। दोस्तों अब हम जो है ये कली काटने जा रहे हैं, ये कपड़े को जितना जैसे हमने उसको दो सूट ऊपर उठाया था ऐसे ही ये दो सूट से आधा इंच हमारी कली लास्ट तक जो है वो आधा इंच ऊपर उठ जाए, अब इसके हिसाब से हम जो है ऐसे निशान लगाएंगे, निशान लगा लेंगे सीधा नाप करके इसको ऊपर। और ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी सलवार जो है डाउन नहीं काटना, जितना आप डाउन काटेंगे ये सलवार अल्टर मारेगी, ये गिदरी से जो है ऊपर को उठेगी, आपके पोंछे से लेकर ऊपर तक उठती रहेगी, तो इसलिए जो है ये इस तरीके से हमने ये निशान लगाना है कि ये हल्का सा आधा इंच लास्ट यहाँ लास्ट में आके ये आधा इंच ऊपर उठ जाए। अब इसको हम जो है ऐसे से हमने कली कुंदे की जो लंबाई नापी थी वो 34.5 है, ये 34.5, तो 34.5 हम एक्यूरेट सीधी काट लेंगे ताकि हमें जुड़ाई में भी परेशानी ना हो, सलवार जोड़ते समय छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बराबर काटा है। और नीचे जो है हम यहाँ पे जो है कली 3 इंच का हिस्सा लेंगे, 3 इंच चौड़ा, ताकि हमारा जो है 12 इंच का जो है पोंछा फिट पूरा आ जाए। अब इसमें जो है अब हम जो है सलवार का घेर लेने के लिए हम पूरी जितनी चौड़ाई है हम पूरे को ले लेंगे, मैक्सिमम जितना घेर हो जाए उतना ही सलवार जो है बढ़िया बनेगी। या भैया हमने कुंडे के हिसाब से लंबाई का नाप लिया, ये हमारा जो है 34.5 लंबाई आ गई, यहाँ से हम सीधा निशान लगाएंगे, ये हम जो है इसको 3 इंच, ये कली जो है नीचे से 3 इंच की रखेंगे। और अब हम जो है इसको जो है सीधा निशान लगा लेते हैं, ये वाला निशान जो है आगे से आसन की तरफ से हम जो है इसको थोड़ा सा आधा इंच टोटल ऊपर उठाना चाहिए, और उसके बाद अब यहाँ पे हम आसन रखेंगे 5.5 इंच, क्योंकि कुंडे में भी हमने लंबाई में जो है 5.5 ही रखा था, 6 इंच का बैंड लगेगा तो आधा इंच का जो है मार्जिन वो हमने कम कर दिया, और इस पर जो है आसन हम रखेंगे 16 इंच, और ये सिलाई करके जो है तैयार 15.5 तैयार होते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इस तरीके से ये कपड़े को खिसका दिया तो
कपड़े की चौड़ाई है। और ये जो है इस तरीके से हम नीचे टेप को इस किनारे से और इस किनारे से जो किनारपन्नी है किनारा है कपड़े का उससे हम ये हल्का सा घुमा देंगे। अभी जो है सिलाई होगी, हमारा आसन जो है आराम से जो है सिलाई लग जाएगी। ये दोस्तों हमारी जो है दो कलियां को कट गई हैं एक साइड की और इसमें जो है दो कलियों की और ज़रूरत है। अब हम इस जो कपड़ा बचा है इसमें से दो कलियां और निकाल लेंगे। मैं आपको जो है सीधे कपड़े पे निशान लगा के बता रहा हूँ, कपड़े का प्रिंट भी ऐसा है। तो अब हम जो है दूसरी दो कलियाँ और काटेंगे और कपड़ा कम है, सलवार भी हमें जो है घेर वाली खुली चाहिए सिंपल में। हमने ये कपड़ा बिछा लिया, नीचे का कपड़ा जो है थोड़ा छोटा पड़ रहा, इसको जो है जोर डाल सकते हैं क्योंकि अंदर ही रहना है, फिर कपड़ा है बेल्ट का जो कपड़ा है तो हम कमीज का कपड़ा लगा देंगे। छेज का बेल्ट तैयार करने के लिए हमें जो है ये कपड़ा 8 इंच चौड़ा लेना पड़ेगा। ये हम निशान लगा दिया 8 इंच का, ये 8 इंच का पूरा कपड़ा इसको हम ऐसे करके डबल में ले लिया कपड़ा। और उसमें हम जो है हमें जो बैक कितना चाहिए बैक चाहिए हमें 28 में हम जो है 6 इंच की और जमा कर देंगे, 28 और 6 44 हो जाएगा, तो 44 का आधा 22 इंच, तो हम ये 22 इंच की बैक जो है हमारी ये तैयार है। तो हम यहाँ सिलाई इसको बीच में से काटेंगे और जोर डाल के हमारा बैक तैयार तरीके से जो हमारी ये सलवार कट गई है और सिंपल की सिंपल और जो है सेमी टाइप की वो सलवार हो गई। ये है हमारा तरीका, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जो है बेल आइकन जो है प्रेस कीजिए।